हाय दोस्तों, मैं हूं आलम, यह है अंकुश। तो अंकुश भाई, ये बताओ कि अभी जो हमारे भारत ने टर्की को जो हेल्प करी है, उसके बारे में पाकिस्तानी का क्या रिएक्शन हो सकता है, क्या बातें हो सकती हैं? पाकिस्तान में का हर जगह का यही हाल है। हर जगह के इंसान, दो तरीके के लोग हर जगह मिलते हैं, ठीक है। अब पाकिस्तान के कुछ लोग अच्छे भी हैं, कुछ लोग बुरे भी हैं। ज़रूरी नहीं कि हर बंदा बुरा ही सही बोलेगा बात है, इंडिया के सही बारे बात में, है है। ना। अब देखते हैं कि इंडिया, इस वीडियो को देख के हम बताएंगे लोगों की कि क्या रिएक्शन वहाँ के सोच में है, क्या नहीं है। चलिए शुरू करते हैं वीडियो देख के। काल मैं हूं सना अमजद। नाज़रीन, तुर्की में जलजले की वजह से काफी जानी और माली भाई नुकसान हुआ बहुत है। अच्छी इंडियन रिपोर्ट है। आर्मी हाँ, बगैर ये किसी सना ताखीर अमजद के है तुर्की में जिनकी हेल्प रिपोर्ट में लेकर हम आपको पहुंच दिखाने चुकी जा है, रहे हैं। जिसमें सर्च रेस्क्यू टीम्स, 100 से ज्यादा डॉक्टर और मेडिसन शामिल मोर है, देन और ऐसा हंड्रेड पहली डॉक्टर बार वहां के देखने हैं को ना। नहीं मिला। हाँ जब भी किसी कंट्री पर बुरा वक्त आया है, इंडिया ने हमेशा बढ़ चढ़कर उस कंट्री की मदद की है। इसी पर आज सही हम बात है बात भाई, करेंगे भारत महान है, पाकिस्तान के हमारा अवाम तो से। है तो आइए भाई, चलिए हमारा हमारे भारत महान साथ। है भाई। अस्सलाम वालेकुम। देखते हैं वालेकुम क्या अस्सलाम। क्या क्या बोलते हैं। सर, आपका नाम? मोहम्मद आदिल पुरम शहजाद सर, आपको पता है जैसे कि शहजाद तुर्किया में भाई। अर्थक्विक आया है, जिसकी वजह से काफी जानी और माली नुकसान हुआ है, और अभी भी वहां पर आफ्टर सही शॉक्स जो बात है है वो भाई, आ रहे बहुत हैं। बुरा, बहुत तो बुरा हुआ इंडियन आर्मी किसी वहां के पर लिए पहुंच भी। गई है बगैर किसी ताखीर के, तुर्किया की और वहां के लोगों की हेल्प के लिए। वहां पर अपने साथ मेडिकल स्टाफ भी देखो क्या लेकर गए बोलते हैं, कोई हैं, 100 के क्या करीब लगेगा क्या डॉक्टर्स, बोलेंगे। मेडिसिन और बाकी ये चीजें लेकर गए। पॉजिटिव लग क्या रहा है मुझे कहेंगे कि ये आप? पॉजिटिव ही बोलने देखे वाले हैं, हूँ, उनका ठीक है। सफारती निज़ाम है ये, वो बढ़ा रहे हैं। अरे तुम तो बोले पॉजिटिव ठीक है, बोल रहे हैं, ये मुस्लिम कंट्री फार्मी नहीं निज़ाम है, मतलब हम बोले मुस्लिम कंट्री पर्सनली, हैं, ये होता है कुछ या वो फिर हमसे बहुत कई गुना सही आगे किया हैं, कि नहीं? क्या बोल उनका रहे मेडिकल हमसे हैं बहुत ज़्यादा आगे हैं। कि यहाँ पे वो तो कितनी हम मान गए जो भाई, ऑपरेशन मान तो वगैरह रहे हैं, हैं जो भाई, चीज़ें हैं भाई जो मेहनत कर इंडिया में रहे बहुत हैं। आसानी में और यहाँ बहुत मुश्किल में, तो वो जी, हर सफारती हर चीज़ निज़ाम का बढ़ा तो रहे हैं होगा अपना भाई, इखलाकी तौर पर और काफ़ी सारी चीज़ें, जबकि हमारे इनसे पास तो वो जाति वसाइल ही नहीं, बढ़ जो रही है वसाइल भाई। उनके पास हैं भाई यार, तुम अपने हेल्प वसाइल की के भी आप जगह बजा जाति रहे हैं। इंजाम कहाँ से हो गया? उसने पॉजिटिव कई चीज़ की जगह चीज़ें नहीं छोटे दिखाते मुल्कों भाई को ये लोग, अभी भी इमदाद भी मतलब की है, सब नफरत कुछ की किया चीज़ें है, बताएंगे। वो हाँ अपने ताल्लुकात बेहतर करें। वो उसकी रीज़न देखो, ये है छोटे मुल्क कि को हेल्प उनके करने पे जो वो निज़ाम तारीफ नहीं कर सकते हैं, है ये है उसके हमारे बाद उनके पाकिस्तान इदारे की। हैं, हाँ, वो अपने तो मुल्क के साथ पड़ोसी मुल्क मुखलिस के हैं। लोगों का विचार बताओ। जिस मुल्कों के इदारे अपने मुल्क के साथ मुखलिस होते हैं ना, वो तरक्की भी करते हैं, हमारे मुल्क की तरह हाँ, नहीं। हमारे मुल्क के कोई इदारा अपने मुल्क से मुखलिस ही नहीं है। जब मुखलिस होगा नहीं तो मुखलिस किसी की क्या कौन मदद सी है? करेगा, उसको तो अपनी फिक्र मुखलिस होती ये है। वर्ड क्या बोल रहे हो? मुखलिस मुखलिस लोग ही मीन किसके लिए काम करते सिंसियरिटी, ना, जो सिंसियर होते हैं ना अपने खुद मुल्क गर्ज के तो लिए, किसी के लिए कोई काम नहीं सिंसियर। करता। मैं खुद गर्ज हूँ, मैं आपके लिए किसी के लिए कोई काम नहीं कर सकूँगा। अपोजिट ऑफ तो बातें सारी सॉरी सिंपल सी हैं ये, हेल्थ इज इसको का अपोजिट इतना होता है। हाईलाइट ओके करने का हमें फ़ायदा भी नहीं है। हमें नज़र आया हमारे खुद मिलकर हालात ख़राब हैं, हम क्राइसिस में, हम डिफॉल्टर की तरफ जा रहे हाँ, हैं, तो हम भी हम किसी तो की क्या भाई, मदद करें, यहाँ हम की तो तो खुद हालत इमदाद के क्या इंतजार में। खराब सर है। आप क्या कहेंगे कि जब भी किसी कंट्री पर बुरा वक्त आता है तो सबसे पहले इंडिया आगे होता है उसकी हेल्प करने के लिए? श्रीलंका ये पे क्या बुरा बोलेगा, वक्त ये आया तो लंका की इंडिया बात आगे पूछते हुई, हैं मुझसे? हाँ, अफगानिस्तान पर श्रीलंका बुरा तो वक्त आया हेल्प तो करी इंडिया ने ना, हर जो तरह वहाँ से प्रॉब्लम उसकी वहाँ से हेल्प कुछ की। ऐसा है, अब क्रेडिट तुर्किया में वगैरह जिस तरह था। हाँ अर्थक्विक हाँ आया है, इंडिया ने बगैर किसी ताखीर के जो है अपनी इंडियन आर्मी जो है मेडिकल टीम के साथ वहाँ पर भेज दिया। क्या कहेंगे आप? देखें, पाकिस्तान पाकिस्तान ने के बारे में बात ही नहीं हमेशा किया भाई इसने, जिस हद तक जहाँ पे हो सके इंडिया के बारे में उसने बात हो रही सबका थी साथ ना, दिया है। बात इसने इंडिया और की किया, अपने अब इसने वसाइल को देखा पाकिस्तान का जाए स्टार्ट तो कर दिया है ना। बेशक इंडिया के वसाइल हमसे बेहतर हैं, इस बेशक वजह नहीं, जरूर से वो हमसे कुछ कुछ कदम आगे हो नहीं है, सकता है, बोला कुछ कदम मगर आगे कर पाकिस्तान दिया कभी है, पीछे नहीं हुआ। तुर्की से के साथ भाई हमेशा कुछ बड़े अच्छे नहीं, ताल्लुकात रहे हैं कई और सारे अफगानिस्तान कदम के आगे लिए आए हैं, ये पाकिस्तान ने मानो। बहुत सी कुर्बानियाँ दी हैं, वो दुनिया में कोई भी नहीं देख सकता, ना किसी ने दी है। और जहाँ तक इंडिया की बात है, इंडिया अगर कर रहा है हाँ, तो अपन ठीक है, अच्छी लागत मेरी बात बात है, को काट इंसानियत के दो नाते ना, सभी को सबके साथ करना चाहिए, अपना मगर अब इंडिया और अमेरिका हमेशा बोला मफादात के अलावा किसी के साथ कभी नहीं चलते और ना किसी के साथ बोल कुछ वाले करते हैं। बोलते हैं जो तो हमारा जो मुल्क है, हमारी कौम है, हमारे ठीक अदारे है भाई, हैं, अपनी कंट्री के लिए सोच उन्होंने रहे भी हो तुम हमेशा लोग, साथ अच्छी दिया हो, है खिदमत तुर्की के करो साथ। दो, तो लेकिन तुर्की ने भी हमें कभी अकेला नहीं छोड़ा और इंशाल्लाह अभी भी नहीं, हम पाकिस्तान उसके साथ हमेशा खड़े खड़े हो हैं, जाने हमारी क्या कौम भी होगा खड़ी हुई है। बताओ। सर अक्सर ये खड़े देखा हो गया जाओ, है खड़े कि होने से तमाम क्या मुस्लिम होगा, खड़े कंट्रीज हो के जाओ। साथ इंडिया के ताल्लुकात बड़े अच्छे रहे हैं, सिवाय पाकिस्तान के। अभी ये भी तो आप श्रीलंका देखें में कि लगे जिस हैं भाई, हम तरह साथ खड़े हैं, तुर्किया हमारी में भी मदद अर्थक्वेक करो, आया यही है, है इंडिया हमारा, ने यही हाल है। जितना और हो बोलने का सके हेल्प मतलब के लिए यही अपनी है इंडियन आर्मी और कि मेडिकल हम भी टीम यहाँ वहां पर खड़े हैं, भिजवा हमारी भी दी। मदद करो। मैं इसमें यही कहूँगा कि जी उसने हमारी जहाँ हमारे से ताल्लुकात हैं उन्हें वहाँ जाना है अपनी ज़ाती जी मुफादत के लिए, मतलब इसे क्या कहने का बड़ी मतलब है कि कंट्री मेरा है जहाँ दोस्ती है ना उसको तोड़ना चाह रहा है, इसे कहने और का ये उनके पास मतलब है वसाइल मुझसे वहाँ। बहुत ज़्यादा है। उसने हमें सियासी भी, माशी भी, सफारती भी, हर चीज़ का नुकसान जहाँ देखो तक पहुँचा सकता है यहाँ पर पहुँचाने की कोशिश नुकसान की करनी है। बात नहीं हो रही अब है, तुर्की यहाँ हमारा पर आर्मी वर बड़ा की अच्छा बात हो दोस्त रही है है, भाई, हमारा साथी है, समझ इस वो बात जाकर को। उदाहरण चाहता है कि मैं इनसे ज़्यादा, उसको पता है हम क्राइसिस में हैं, हम उसकी इतनी हेल्प नहीं कर सकते जितनी हेल्प वो कर देगा। वो हमें ही, ये हमारे सफारती तौर पर भी वैसे भी नुकसान थोड़ा पहुँचा रहा इसकी है। उम्र तो कब्र में इंडिया जाने को ये वाली है करके भाई, क्या मिलेगा? बाप ऐसी कर रहा देखें, बताओ। एक एक जैसे हमारी इस्लामी सलामती कौंसिल है, वहाँ वोटिंग है, वो ये हो गया जी, एक अहदे होते हैं, अहदा जाता है कि मैं और पावरफुल हो गया हूँ, सामने हूँ, लोग मेरी बात सुने, मेरे पीछे साथ चलें,
तो फिर हम तो कहाँ रह जाएंगे पीछे, हमारा मसला कश्मीर है। ये क्या बोलेगा? पता होगा जैसे कि तुर्किया में अर्थक्वेक आया है जिसकी वजह से काफी जानी और माली को नुकसान हुआ है, तो इंडिया ने वहाँ पर अपनी इंडियन आर्मी के जरिए काफी हेल्प भेजी है, क्या कहेंगे आप इस हवाले से? बिल्कुल, जहाँ तक होना चाहिए पूरी दुनिया को इसको सपोर्ट के लिए निकलना चाहिए, और जितने भी यानी जिस तरह से भी, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे वो कोई मटेरियल दे के या कोई जैसे भी है, उनको सपोर्ट करनी चाहिए। सर हमने अक्सर देखा है कि जब भी किसी कंट्री पर बुरा वक्त आता है तो इंडिया हमेशा आगे होकर बढ़ चढ़ कर उनकी हेल्प करता है। श्रीलंका पे आपने देखा होगा बुरा वक्त आया, अफगानिस्तान पर बुरा वक्त आया तो इंडिया ने उनकी हर तरह से हेल्प की, उन्हें अनाज भेजा, उन्हें फंड्स दिए, वहाँ पर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स भी लगाए। क्या कहेंगे आप, क्या वजह है कि इंडिया हमेशा इतना आगे आगे क्यों रहता है हर काम में? फर्स्ट ऑफ ऑल फाइनेंशियली वो बहुत स्ट्रॉन्ग है पाकिस्तान से, लेकिन पाकिस्तान के जो अमीर तबकात हैं उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करनी चाहिए। अभी मैंने आज सुना है न्यूज़ में कि सिंध ने कुछ करारदाद अप्रूव की है अपने असम्बली में और वो कुछ एड भिजवा रहे हैं ऑलरेडी, तो लेकिन ये कि जितने भी हमारे अमरा हैं यहाँ पे मुल्क के, उनको ये सपोर्ट करना चाहिए हलाल में। जी सर, आपको पता है कि इंडिया ने बगैर किसी ताखीर के वहाँ पर जल्दी से जल्दी अपनी इंडियन आर्मी भेजी है मेडिकल हेल्प के साथ, मतलब अभी तो हम यहाँ पे करारदादें पास करने के चक्रों में पड़े हुए हैं और इंडिया ने अपनी इमदाद पहुँचा भी दी। बिल्कुल ऐसे ही है, बस हम सोचते रह जाते हैं कुछ हमारे जो टॉप हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं जिनके हाथ में पावर्स हैं कि वो कुछ फाइनल डिसीजन ले सकें, वो बहुत देर कर देते हैं। जब सब कंट्रीज देख के फारिग हो चुकी होती है तब इनको डिसाइड करना याद आता है कि हमें कुछ करें, लेकिन ये लेने के लिए सबसे पहले लाइन में लगे होते हैं कि हमें, जैसे पीछे सैलाब आया था पाकिस्तान में तो हर कंट्री ने सपोर्ट किया था, लेकिन पाकिस्तान को भी उसी रिएक्शन में जिस तरह तुर्की में हुआ है तो फौरन रिप्लाई करना चाहिए था और जितनी फाइनेंशियल एड दे सकते हैं देनी चाहिए थी उनको। फिर हम लोग इंडिया की फॉरेन पॉलिसीज की बैठ के सिर्फ तारीफ करते रहते हैं और अपनी फॉरेन पॉलिसीज की हम खामियां निकालते रहते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, ये तो फाइट बड़ी देर जब से पाकिस्तान बना कुर्सी की फाइट चल ही रही है, लेकिन देखें होप फॉर द बेस्ट। मैं सोच रहा हूँ कि जो नेक्स्ट इलेक्शन हो रहे हैं उसमें कोई अच्छी क्यादत आएगी और हमारे मुल्क को और हमारे नेबर कंट्रीज को और जिन जहाँ पे इस तरह की कोई सिचुएशन आती है वहाँ पे सपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह। अभी रिसेंटली इंडिया ने अफगानिस्तान को 200 करोड़ रुपए की इमदाद भेजी है और अफगानिस्तान जो है बड़ा खुश था इसके ऊपर। मुझे मेरी नॉलेज में तो नहीं है, लेकिन अगर वो ऐसी सपोर्ट कर रहा है कुछ उसके सियासी पहलू भी होंगे कुछ उनके, क्योंकि वो एंटी पाकिस्तान ज्यादा उनकी सपोर्ट करते हैं इसलिए वो भी भेज रहे होंगे, लेकिन ये है कि कोई भी चीज अगर वो इमदाद की सूरत में वो अगर कोई भी मुल्क एक दूसरे को दे रहा है तो वो बहुत अच्छी बात है। इंडिया के तमाम इस्लामिक कंट्रीज के साथ टर्म्स बहुत अच्छे हैं सिवाय एक पाकिस्तान के, क्या वजह नजर आती है आपकी और हम कब इंडिया के साथ अपने ताल्लुकात में बेहतरी ला सकेंगे? एक्चुअली एज अ हमारे जो लीडर्स हैं टॉप पर जो हमारे प्रेसिडेंट आते हैं या वजीर आजम वगैरह आते हैं वो बेसिकली लीड नहीं करते प्रॉपर कंट्री को, यानी कि एक एग्जांपल सेट नहीं करते किसी भी दूसरे मुल्क में जाके एज अ यूनिट अपने आप को प्रेजेंट नहीं करते, यानी कि अगर इमरान खान साहब जा रहे हैं किसी और कंट्री में तो वो अपने अपोजिशन के लोगों के लिए बहुत कुछ ना कुछ नेगेटिव यानी कि वहाँ पर कह रहे होते हैं, लेकिन हमें दूसरे मुल्कों में एज अ जॉइंट होके एक सिंगल यूनिट होके यानी कि एक सिंगल कंट्री के रिप्रेजेंट करना चाहिए ताकि हमें अगर हमें प्रॉब्लम आती है तो वो भी हमें सपोर्ट करें, अगर वो यानी कि वो सपोर्ट कर रहे हैं तो एज अ सिंगल यूनिट ले, ये ना हो कि वो एज अ इंडिविजुअल कहीं नवाज शरीफ के तौर पे या इमरान खान के तौर पे ले। अब अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया ने अपनी हर कंट्री के साथ बना कर रखी हुई है, क्या वजह नजर आती है कि इंडिया ने सबके साथ मेंटेन करके बड़े अच्छे तरीके से ताल्लुकात बनाए हुए हैं? खारजा पॉलिसी बहुत स्ट्रांग है उनकी और हर मुल्क के साथ देखें खारजा पॉलिसी डिफरेंट होती है, हमारे यहाँ पे हमें कुछ समझ नहीं लग रही है चला कैसे रहे हैं, क्या इनका मोटिव क्या है कि पाकिस्तान को किस तरफ लेके जाना है या हमारा टारगेट क्या है कि हमने किस किस जगह पे यानी कि अचीव करना क्या अचीव करना चाहते हैं हमें अभी तक मालूम नहीं है। सर आपका नाम? सर जैसा कि आपको पता है कि तुर्किया में अर्थक्वेक आया जिसकी वजह से काफी जानी और माली नुकसान हुआ है, इंडियन आर्मी वहाँ पर पहुंच गई है काफ़ी सारी हेल्प लेकर, बहुत सारे डॉक्टर मेडिसन और बहुत सारे डिफरेंट मटेरियल के साथ, क्या कहेंगे आप? बेसिकली पूरे अगर देखा जाए जितने भी आपके पास वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो
हमें ह्यूमैनिटी जो ग्राउंड्स है, इंसानियत के ग्राउंड है, उसके ऊपर काम करना चाहिए। अगर इंडिया इस पे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है तो ये बहुत ही एक अच्छा जेस्चर है, और ये सिर्फ इंडिया की तरफ से नहीं होना चाहिए बल्कि ये वर्ल्ड वाइड हर एक कंट्री को चाहिए कि वो, क्योंकि सबसे पहले हम इंसान हैं, बाकी चीज़ें बाद में आती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें चाहिए कि जितना जब भी किसी के ऊपर कोई मुश्किल वक्त आता है तो सबसे पहले हमें जो है वो उसकी मदद करनी चाहिए, और ये बहुत ही अच्छा जेस्चर है, इसको जितना सपोर्ट किया जा सके, सराहा जाए, वो बहुत कम है। ठीक है, आपको पता है कि मोदी की सरकार ने, मोदी गवर्नमेंट ने बगैर किसी ताखीर के फॉरन स्टेप लिया और अपनी इंडियन आर्मी को बहुत सारी हेल्प के साथ और 100 डॉक्टर के साथ वहां पर पहुंचाया है। आपको पता है कि पाकिस्तान में इस तरह के स्टेप लिए जाते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा मुशावरत के बाद लिए जाते हैं, लेकिन मोदी सरकार ने बगैर किसी ताखीर के वहाँ पर फौरी तौर पर इमदाद भिजवाई। बेसिकली ये ऐसा कोई काम तो ऐसा सच है नहीं है कि कोई हम जंग तो लड़ने नहीं जा रहे, बेसिकली ये जो काम होता है ये हमें इंसानियत की मदद करनी है, तो इसमें सोचने की इतनी ज़रूरत नहीं है। हमें जो है इसमें सबसे पहले, क्योंकि ये एक फौरी इकदाम है, क्योंकि अगर हम फर्स्ट एड नहीं पहुँचाएंगे तो फिर हमारी मदद करने का फ़ायदा नहीं है, तो हमें फौरन स्टेप लेना चाहिए ताकि हम जल्दी से जल्दी जितनी भी इंसानियत जो है वो खतरे में है, ठीक है, उन्हें फर्स्ट एड दें हम, ताकि वो एक दोबारा अपनी रिहैबिलिटेशन जो है वो उसकी तरफ जो है मूव करना स्टार्ट करें। और पहली दफ़ा ऐसा नहीं हुआ, जब भी किसी कंट्री पर बुरा वक्त आया आपको पता है हमेशा इंडिया ने आगे होकर सबसे ज़्यादा बढ़ चढ़ कर उस कंट्री की हेल्प की। ये डेफिनेटली उनका एक अच्छा जेस्चर है और इसको फॉलो करना चाहिए सबको, बहुत अच्छा कदम है। अच्छा, आप इंडिया की फॉरन पॉलिसी के हवाले से क्या कहेंगे कि उन्होंने हर कंट्री के साथ बहुत अच्छे टर्म्स रखे हुए हैं और जाहिर है जब वो इस तरह हर कंट्री के आगे होकर हेल्प करेंगे तो हर कंट्री के उनके साथ ताल्लुकात भी अच्छे होंगे? डेफिनेटली अच्छे होंगे, क्योंकि जब हम किसी के साथ चलते हैं, ठीक है, पहले कदम हम बढ़ा देते हैं तो फिर अगला बंदा मजबूर हो जाता है कि उसने भी हमारे साथ जो है वो अच्छा ही चलना है, ठीक है, तो इसलिए ये तो उनका बहुत ही अच्छा इकदाम है। फॉरेन पॉलिसी जो है वो बेसिकली हमें भी इसी तरफ मूव करना चाहिए, लेकिन अभी तक हम उन्हीं फरसूदा रस्म और रवाज और रवायतों में उलझे हुए हैं, हमें मूव करना चाहिए और हम इस चीज को छोड़ दें आप बाकी, क्योंकि आप दुनिया में मूव कर। अच्छा, हमने इंडिया की हमेशा फॉरेन पॉलिसी की तारीफ की है, हमारे सियासतदान, हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब भी अक्सर इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की बड़ी तारीफ करते हैं, लेकिन हमने कभी इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के साथ मतलब कुछ अडॉप्ट नहीं किया, हमने वैसी पॉलिसीज बनाने की कभी कोशिश नहीं की। बेसिकली हम इनकी कोशिश करेंगे तो वो हमारा ही, वो बात पहले मैं कर चुका हूँ कि हम ज़ातियात पे काम करने वाले लोग हैं, तो हमें अगर हम कौमी मफादात को तरजीह करेंगे तो फिर डेफिनेटली हम ऐसी पॉलिसीज़ को बनाएंगे ताकि हमारा मुल्क जो है वो, अभी क्योंकि हम अभी तरक्की याफ्ता कौमों में तो शामिल नहीं हुए, ठीक है, हम तरक्की पज़ीर मुल्क हैं, तो हमें उनमें शामिल होने के लिए डेफिनेटली अपनी फॉरेन पॉलिसी को बेहतर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और अगर हमने अपने ताल्लुकात बेहतर बनाने हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि फॉरेन पॉलिसी इस तरह की हमारी हो कि हम सबसे पहले जितने भी अपने नेबर कंट्रीज़ हैं उनके साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे हों, फिर उसके बाद जो है आपके पास जितनी और कंट्रीज है सुपर पावर्स उनके नीचे लगने की जरूरत नहीं, हमें एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी की बहुत अशद जरूरत है। आपने अभी एक बात खुद ही की कि जब तक हम अपने हमसाये मुल्क के साथ ताल्लुकात में बेहतरी नहीं लाएंगे हम जो है बेहतर नहीं हो सकते, एक तरक्की याफ्ता कंट्री नहीं बन सकते, ये बात जानी मानी है कि जब तक कोई मुल्क अपने हमसाये ममालिक के साथ ताल्लुकात में बेहतरी नहीं लाता वो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता, तो फिर पाकिस्तान आपको नहीं लगता इस वक्त आइसोलेट हो गया हुआ है बाकी कंट्रीज से, बिल्कुल अलग हो गया हुआ है, जितनी इंडिया ने बाकी मुल्कों के साथ बना कर रखी हुई है हमने उतनी ही बिगाड़ कर रखी हुई है? हम आइसोलेट तो हुए हम अपनी कंट्री के अंदर भी बेसिकली आइसोलेट हो चुके हैं, ठीक है, तो हमें हमने अगर चाइना के साथ है तो वो भी हमारे ताल्लुकात कशमकश हैं, कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है, हमारी असल में अगर इंडिया की आप फॉरेन पॉलिसी की बात करें, फॉरेन पॉलिसी आपकी तब बेहतर होती है जब आपका इंटरनल जो मामलात हैं वो बेहतर हो, वो जब उनकी नेशनल इश्यूज की बात होती है तो वो जितनी भी उनकी पार्टीज हैं, कांग्रेस है, बीजेपी है, जो भी है, वो सारे इकट्ठे हो जाते हैं एक पेज पे आते हैं, हम यह क्या है हम सिर्फ आपस में लड़ाई जो है अब पीटीआई पीएमएलएन से लड़ रही है, पीपी जो है वो पीटीआई से लड़ रही है, 13 जमाती इत्तेहाद आजकल आपको नजर आ रहा है, ठीक है, पीटीआई उनके साथ नहीं बैठना चाहती, वो उनके साथ नहीं बैठना चाहते, तो बेसिक मसला यही है कि हम आपस में इकट्ठे नहीं बैठ सकते, हमने फॉरेन पॉलिसी क्या अच्छी बनानी है। इंडिया को किन अल्फाज में आप अप्रिशिएट करेंगे जिस तरह उन्होंने अपनी इंडियन आर्मी को तुर्किया में भेजा है बहुत सारी हेल्प के साथ? ये उनका बहुत अच्छा जेस्चर है, हम इसकी जितनी ज़्यादा तारीफ करें कम है, ठीक है, और इसी को फॉलो करना चाहिए सब कंट्रीज को, बेशक अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर भी जा रहे हैं लेकिन अच्छी बात है जाना चाहिए, और इन्हें फॉरेन इस पे सोचने की कोई बात नहीं, जल्दी जाना चाहिए और सब कंट्रीज जो हैं वो इस पे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए ताकि मुसीबत की घड़ी में हम अपने बहन भाइयों के साथ खड़े हों। आपका नाम?
सरदार फखर हफीज मिंटन। सर, तुर्की में अर्थक्वेक की वजह से काफी जानी और माली नुकसान हुआ है, इंडिया ने उनकी बहुत ज्यादा हेल्प की है, इंडियन आर्मी वहाँ पर बहुत सारी हेल्प के साथ पहुँच गई है, क्या कहेंगे? बड़ा एक अच्छा जो है इकदाम उठाया गया इंडिया की सरकार की जानिब से, है ना? इंडिया की इस सरकार की जानिब से अच्छा इकदाम है। देखें, वो एक वेल ग्रोथ कंट्री है, लेकिन पाकिस्तान की अभी इकोनॉमी इस कदर बेहतर नहीं है कि हम जाकर तुर्की की माली तौर पर मुआवनत कर सकें। जहाँ तक मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का बजट है या हमारी जो डिफेंस है वो जाके अमली तौर पर कुछ इकदाम कर सकती है, लेकिन अगर आप पाकिस्तान की ये देखें कि हम जहाँ पे माली मुआवनत की बात है, माली मुआवनत वहाँ पे जाके पाकिस्तान की इकॉनमी के हवाले से ये बेहतर नहीं है, और ना ही हम इस कंडीशन में हैं कि जाके कर सकें। बकिया हमारे जज्बात हैं, इमोशंस हैं, और उनके लिए दुआएं हैं, ढेर सारी, काफ़ी सारे मुस्लिम जो हुआ है उसको नुकसान पहुँचा है, लेकिन माली तौर पर मुआवनत का मुतमल पाकिस्तान नहीं हो सकता। जहाँ तक मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की बात है या डिफेंस हमारी की बात है, तो उनको जाना चाहिए और अर्जेंट बेसिस पे जाके उनकी हेल्प आउट करना चाहिए, रेस्क्यू ऑपरेशंस में हिस्सा लेना चाहिए। तो हम इस तरह की अमली जो मुआवनत है वो कर सकते हैं, लेकिन जो फाइनेंशियली है वो हम उसके मुतमल नहीं। आपको पता है कि इंडिया ने बहुत बड़ी तादाद में वहाँ पर सर्च और रेस्क्यू टीम्स भेजी हैं, उसके अलावा उन्होंने अपने 100 से ज्यादा डॉक्टर्स वहाँ पर भेजे हैं। डॉक्टर्स की जहाँ तक बात करें तो पाकिस्तान के अंदर जो डॉक्टर्स का है एक नेटवर्क तो बहुत वसी है, पाकिस्तानी डॉक्टर्स दुनिया भर में माने जाते हैं, और पाकिस्तान में जहाँ तक डॉक्टर्स की क्वान्टिटी की बात है तो बहुत ज्यादा डॉक्टर्स हैं पाकिस्तान में। तो इन सर पाकिस्तान से भी ज्यादा डॉक्टर इंडिया में है, और पाकिस्तान से बहुत सारे लोग इंडिया जाते हैं इलाज के लिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे ऑपरेशंस हैं, ऐसे ट्रांसप्लांट हैं जो नहीं होते। अभी तो सारे ट्रांसप्लांट होने शुरू हो गए, लिवर ट्रांसप्लांट भी हो रहा है, हार्ट का भी हो रहा है, लेकिन उनकी जो टेक्नोलॉजी है वो जरा पाकिस्तान से जिद्दत में है। लोग पहले यहाँ से 5-6 साल पहले लिवर ट्रांसप्लांट के लिए जाते थे, लेकिन अभी फिलहाल नहीं जा रहे, पाकिस्तान में वो हो रहा है। लेकिन डॉक्टर्स की टीम और रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशंस के लिए पाकिस्तान से खिदमात जानी चाहिए तुर्की के लिए। तुर्की ने हमेशा पाकिस्तान की बुरे हालात में मदद की है, तो जहां तक मैं समझता हूं कि पाकिस्तान से ये सर्च ऑपरेशंस और सर्च टीमें और जो अमली है टीम वो जानी चाहिए। अब देखें, इंडिया ने जो है अपनी टीम और अपनी जो हेल्प जो है वो और ज़्यादा इंक्रीज कर दी है कि जितनी भी हो सके बढ़ चढ़ कर उनकी मदद की जाए, और आपको पता है बगैर किसी ताखीर किए इंडियन आर्मी वहाँ पर हेल्प लेकर पहुँची, और हम यहाँ पर फैसला लेने के लिए जो है वो सोचते रह जाते हैं, आपस में मशावरत करते रह जाते हैं, और इंडिया वो कर गुजरता है, और फिर हम कहते हैं कि इंडिया के इस्लामिक कंट्रीज़ के साथ या बाकी कंट्रीज़ के साथ ताल्लुकात बेहतर कैसे हो गए? देखें, बहसियत एक पाकिस्तानी नेशनल हम सिर्फ पैगाम पहुंचा सकते हैं, ना तो हमारे पास कोई ऐसा सोर्स है और ना ही कोई सोशल मीडिया या इस मीडिया के अलावा कोई और हमारे पास ऐसी चीज है जिसके जरिए से हम उनको इनिस्टिगेट कर सकें, इनकरेज कर सकें। तो आपकी टीम की वसासत के हवाले से ये कह सकते हैं कि आप उनको इनकरेज करें और पैगाम पहुंचना चाहिए। जो ISPR है स्पेशल, वो पब्लिक के रिलेटेड है, तो पब्लिक के जितने भी मैसेजेस हैं वो चाहिए ISPR को वो पहुंचाए, और माली मुआवनत की और माली मुआवनत के से हट के जो है फिजिकली जो मदद है या सर्च ऑपरेशन टीम है वो भेजनी चाहिए, और डॉक्टर्स की भी एक फ्री लांसर्स की टीम जो है वहाँ पे जानी चाहिए। इंडिया के सरकार की जानिब से जो ये इकदाम उठाया गया है उस पर आप क्या कहें? देखें, अच्छे कदम को तो आप अच्छा ही कह सकते हैं, चाहे वो जिस भी कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हों, उसको आप जिस भी रिलीजियस से कह लें, रिलीजियस ऑब्लिगेशन से हट के एक ह्यूमैनिटी का एक मजहब है, तो ह्यूमैनिटी के लिए जो भी इकदाम करता है एक बंदा वो अच्छा ही करता है। तो हमें भी बतौर एक ह्यूमन के जो सोचना चाहिए, पहली सोचनी होनी चाहिए, दूसरी वो कि मुस्लिम्स हैं, तीसरी ये कि तुर्की का हमेशा पाकिस्तान के हवाले से रवैया मुस्बत रहा है और हर आफत में उन्होंने हमारा साथ दिया है, तो तीसरी ये भी बात है। तो चौथी ये कि हम माली तौर पर नहीं भी कर सकते तो हमें सर्च ऑपरेशन या रेस्क्यू टीम्स के हद तक तो जरूर। ये था हमारा, चलिए ठीक है। तो ये थे ना पाकिस्तान के रिएक्शन, देख लिया कि क्या बोलते हैं वहाँ की कंट्री हमारे बारे में। यार देखो, जैसे तुमने कहा था ना कि हर बंदे का अलग पर्सपेक्टिव होता है ना, हाँ, तो कुछ बंदे अच्छे सोचते हैं, कुछ बंदे गलत भी सोचते हैं। मतलब किसी के लिए तुम कितना भी अच्छा कर दो, मतलब वो तारीफ नहीं कर सकते हैं कि भाई इंडिया ने अच्छा किया। वो ये बोल रहे हैं कि वो अपनी जाती मामला अच्छे करने के लिए या हमारा जहाँ जहाँ जितने अच्छा रिश्तेदारी उसको तोड़ने के लिए, मतलब उस बात में भी इसको ढूंढना कि हमारी मदद इंडिया ने, इंडिया का कोई फायदा होगा इस चीज़ में। वो ये देख रहे हैं ना कि उनकी जो है ना रिलेशनशिप अच्छी बनेगी, हमारी टूट जाएगी। वो ये नहीं बोल रहा है भाई अभी जान माल की हिफाजत करना ज़्यादा जरूरी है कि नहीं जी। तो बस यही था आज का, यही था। देख रहे हैं वीडियो में दूसरे पाकिस्तानी जो आवाम है वहाँ के लोग क्या सोचते हैं भारत के बारे में, और आप भी बताइए, आप भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा हमें, ठीक है? ओके, थैंक यू, जय हिंद।